ओम सियावर रामचंद्र की जय, मोर मुकुट बंसी वाले की जय। दुर्गा, पिछले लेसन में कुछ व्यूअर्स ने ये सजेशन दिया था कि नोट्स इंग्लिश में लिखें तो उन्हें आसानी होगी, तो आज ये लेसन अलग से उनके लिए है जो इंग्लिश में नोट्स जल्दी अच्छी तरह समझ लेते हैं। ये इंग्लिश में नोट्स लिखे हैं, राग के स्वर हैं इंसिडेंटली इस राग में कण स्वर प्रयोग होगा, जैसे कि रे से पहले मां जो प्रीडिसेसर स्वर है वो उसका छोटा सा हिस्सा उसमें बजेगा, उसके बाद मुख्य स्वर जो रे है वो बजेगा बरे सा बरे बरे पा ध धा से पहले सा सा जो प्रीडिसेसर स्वर है सुधा सुधा सा बरे मा पा सधा सा
सा सा धा पा मा मरी सा। ये मैं आपको बजा के दिखाऊंगा तो ये बड़े मधुर लगेंगे। कर्ण स्वर हम जो यूज करेंगे स्वर इस राग में वो बहुत मधुर लगेंगे। इस राग में सारे नोट्स नॉर्मल लगेंगे, शुद्ध स्वर लगेंगे और इसमें कोई भी कोमल स्वर यूज नहीं होगा। नो ऑल नोट्स आर यूज्ड हियर आर नॉर्मल नॉर्मल शुद्ध स्वर। एंड इन दिस राग गा एंड नी आर नॉट यूज्ड, गा एंड नी आर नॉट प्लेड इन दिस राग। अब देखिए मैं इसका विस्तार हम सीखेंगे, इन्हीं स्वरों का, ये इस राग के स्वर हैं, इनका विस्तार हम 1 2 3 4 इन लाइन्स के अंदर हम इनका विस्तार सीखेंगे। मैं बांसुरी पर बजाऊंगा धीरे धीरे और आप देखें और आप भी इसको उसी हिसाब से बजाने की कोशिश करें। धीरे धीरे पहले स्टेंजाज में टुकड़ों में बजाएंगे, फिर हम इकट्ठा उसको बजाएंगे, एक ही लाइन की पूरी पूरी लाइन बजाएंगे और जैसे जैसे हमारा अभ्यास होगा हम उसको तेज़ी से भी बजाने की कोशिश करेंगे। ये एफ शार्प स्केल की बांसुरी है, एफ शार्प, और ये एफ शार्प ही मैं तानपुरा सेट कर देता हूँ। और ये राग हमारे गुरुजी ने, हमारे पूज्य गुरुजी ने हमें सिखाया था, बड़ी आसानी से उन्होंने हमें सिखा दिया था, बड़े आसान तरीके से, और उसी तरह से हम भी इसको आसानी से सीखेंगे। हम शुरू में इसके इंट्रोडक्शन टाइप से बेस हम सीखेंगे, इसकी कॉम्प्लिकेशन में हम नहीं जाएंगे और पहले हम इसको वैसे धीरे धीरे जो मुख्य इसकी चीज़ें हैं, बेसिक चीज़ें हैं वो हम सीखेंगे और इसकी बंदिश भी फिर भगवान की जैसे आगे कोशिश करेंगे अगले लेसन में अगर होगी तो वो सीखेंगे। पहले हम इसके स्वरों का विस्तार करेंगे। पहली लाइन देखिए, मामा रे सा, हम
फोर्थ लाइन लगाएं, फोर्थ लाइन बजाएंगे द सा रे मा रे मा प ध मा प ध सा प ध सा रे सा सा ध प मा मा रे सा ये हम इसी प्रैक्टिस करेंगे और हम इसे आसानी से सीख पाएंगे और राग पर आधारित हम कुछ गीत भी सीखेंगे, कोशिश करेंगे। मैंने शुरू में जो धुन जो स्वर बजाए थे आप देखें वो कौन से गीत के हैं और कौन से राग पर आधारित हैं वो स्वर, और आप अपने कमेंट्स भी करें और सजेशंस भी दें इस लेसन के बारे में, वीडियो के बारे में, और कोई आपकी और एक्सपेक्टेशंस हैं वो भी बताएं, कोई हमारे को भी कोई डायरेक्शन कोई दें और सजेशंस दें, कोई इम्प्रूवमेंट के लिए सजेशन दें, वो वेलकम है आपके।